हेलो दोस्तों, आप लोगों के बिली टेक्निकल 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, इंडिया पोस्ट GDS का वैकेंसी आ चुका है, ठीक है। इंडिया पोस्ट GDS का वैकेंसी आ चुका है, आप लोग देख लीजिए। इंडिया पोस्ट GDS 10वीं पास के लिए भारतीय डाक में 2582 वैकेंसी है। परीक्षा और इंटरव्यू के बिना होगी भर्ती, ठीक है। बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू के बिना होगी भर्ती। आप लोगों को जाने का आवेदन की प्रक्रिया है, आप लोगों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। यहां पर देख लीजिए, इंडिया पोस्ट 2020 भारतीय डाक विभाग के इधर से वैकेंसी आया है। इसका वैकेंसी 12 नवंबर से शुरू है और 11 दिसंबर तक लास्ट डेट है, ठीक है। चलिए हम कैसा कैसा प्रक्रिया है, जिसमें आप एज लिमिट पर आइएगा तो एज लिमिट पर देख लीजिए। भारतीय डाक में ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए अप्लाई करने उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है, ठीक है। न्यूनतम आयु आपको 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। 12 दिसंबर 2020 से किया जाएगा। अनुसूचित जाति OBC और दिव्यांग वर्ग वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। उसके बाद 10वीं फॉर्म है आप लोगों का, जिसका सैलरी आप देखिएगा। सैलरी अकाउंटिंग टू पोस्ट BPM पद के लिए 12,000 रुपये से 14,500 रुपये तक रुपये का वेतन और GDS ABPM पद के लिए 10,000 रुपया से 12,000 रुपये का वेतन, ठीक है। चलिए हम इसका ऑफिशियल साइट पर चलते आप लोगों को हम बताते हैं। चलिए हम क्रोम पर आए, आप लोगों को लिखना है इंडिया पोस्ट GDS। आगे हम GDS पर क्लिक कर, यहाँ पर आ गया है इंडिया पोस्ट GDS। GDS पर क्लिक करें, देखिए यही ऑफिशियल साइट है। आप लोगों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ से आप फर्स्ट में सेटअप 1 में रजिस्ट्रेशन करिएगा, उसके बाद सेटअप 2 में पेमेंट करना होगा और सेटअप 3 में अप्लाई ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट है, और यहाँ पर देख लीजिए स्टार्ट डेट 12/11/2020 और इन डेट 11/12/2020 तक है, ठीक है। आप लोग फटाफट फॉर्म भरे और जॉब उठाइए, ठीक है। आप लोगों के इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।